नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। इसमें देखेंगे हम लोग कि हम लोगों ने जो हमने कल लेवल निकाले थे वो लेवल हमारे यहाँ पर जो है किस तरह से काम की, वो सपोर्ट किस तरह से यहाँ पर जो है परफॉर्म की और उन सब रेजिस्टेंस ने यहाँ पर किस तरह से रिजेक्ट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम चलकर देखने वाले हैं। और बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं वहाँ पर हम देखेंगे जो सपोर्ट हमने बताए थे वहाँ से बाउंस बैक हुए या नहीं हुए, वो सारी चीज़ों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फाइनली चलते हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट में, हम यहाँ पर वनडे के चार्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडल बनी है आज हमको यहाँ पर डोजी कैंडल मिली है। मैं देखिए अभी यहाँ पर जो हमने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके रखी हुई थी तो ये जो ट्रेंड लाइन, अब मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा ली है तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। अब यहाँ से देखिए जो कल के सेशन में एक ग्रीन कैंडल मिली मीन्स यहाँ से बाउंस बैक हुआ। अब यहाँ पर ये जो लेवल है ये हमारे पास हर्डल है, मैंने कल आपको क्लियर कट बताया था कि 31,050 से लेकर के 31,080 या 31,100 मान लीजिए, 31,050 से 31,100 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है और वो क्लियर कट एक सेल जोन है हमारा। वहाँ से जाकर हमको बिल्कुल 100% हमको सेल करना है और वहाँ से हमको बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। क्योंकि देखिए जो कल मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी वो 30,300 के आसपास थी, तो वहाँ से देखिए 30,300 और 31,000 तो 31,100 तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्केट ने जो है 800 पॉइंट्स की रैली की है ऊपर की तरफ, तब जाकर 31,100 के आसपास पहुँचा है। सो इतनी रैली करने के बाद अगेन अप मूव में जाना वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर एक हम कंटिन्यू 4-5 दिनों से डाउन ट्रेंड देख रहे थे। सो 800 पॉइंट्स की मूव के बाद एक गिरावट जो है बनती है। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर चलेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी उस हिसाब से मार्केट चली नहीं चली या क्या बना आज ट्रेड, वो हम सारी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट आज गैप अप ओपन हुई। ओके, यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुई और मार्केट कोई बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हुई थी और गैप अप ओपन होने के बाद देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है, मेन ट्रेंड है, वो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है। सो हमको यहाँ पर जो है बाइंग के लिए ना जाकर ज़्यादातर हमको सेलिंग के लिए जाना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना था, ये जो 5 मिनट की कैंडल आपको दिखाई दे रही है, 5 मिनट की कैंडल के ऊपर कोई ये ग्रीन कैंडल बने या फिर इसके ऊपर कोई एक और ग्रीन कैंडल बने, मीन्स हमको सबसे पहली 5 मिनट की कैंडल पे अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमको कैंडल एक अच्छी चाहिए, बड़ी कैंडल चाहिए और पूरी हरी कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखिए पहली कैंडल नहीं, यहाँ पर रेड कैंडल बनी हुई है। अब दूसरी कैंडल पर फोकस करिए, दूसरी कैंडल देखिए, दूसरी कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक करने की कोशिश की है बट यहाँ पर हाई तो ब्रेक हुआ बट ऊपर से एक सेलिंग का प्रेशर आ गया है। बट देखिए ये दो कैंडलें काफ़ी है इस कन्फर्मेशन के लिए, हमारे पास इतनी कंफर्मेशन बहुत है क्योंकि ट्रेंड देखिए डाउन ट्रेंड है, ऊपर से अब यहां पर सेलिंग का प्रेशर है। सो यहां पर 5 मिनट का यहां पर देखिए कैंडल जैसे ब्रेक हुई वैसे हम यहां पर सेलिंग के लिए गए थे और सेलिंग के लिए यहां पर हमको काफी अच्छा प्रॉफिट मिला। अब देखिए जो कल की यहां पर क्लोजिंग आई थी वो ये क्लोजिंग थी, मतलब हमारे पास जो कल का स्विंग लो है वो ये था। अब इस लेवल के आसपास जब यहां से नीचे क्लोजिंग हो जाती या फिर एक बड़ी कैंडल 15 मिनट की, चाहे छोटी कैंडल भी हो 15 मिनट की, वो इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। बट यहाँ पर आप क्लियर कट देखिए कि इसी लेवल पे के पास आकर इसने सपोर्ट लिया और फाइनली देखिए सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से जो है बाउंस बैक, काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हुआ। अब देखिए यहाँ से ये जो पिछला हमारा कल का स्विंग लो था इस लेवल को आज मार्केट ने बिल्कुल ब्रेक नहीं किया। अगर हम देखें निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज हमको जो है भारी गिरावट देखने को मिली है। सो देखिए आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखकर और निफ्टी का चार्ट देखकर, चलिए मैं आप लोगों को निफ्टी से कंपेयर कर देता हूँ। निफ्टी देखिए फाइनली अपने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ये 5 मिनट का चार्ट है और इसको हमने ट्रेडिंग भी की है तो ये जो है यहाँ पर फाइनली ब्रेक कर दिया और काफ़ी तेजी से यहाँ पर ब्रेक हुआ है, मीन्स यहाँ पर जो बड़े प्लेयर एंटर हुए हैं। चलिए अभी हम चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की, मैं निफ्टी की आप लोगों के एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा और जितने निफ्टी में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में एनालिसिस करके दूंगा। तो फाइनली देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर चार्ट जो है पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल में कि लेवल ब्रेक होगा तो उसके बाद हम यहाँ पर जो है सेलिंग के लिए जाएंगे। सो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये जो एरिया था ये एक सपोर्ट लेवल था। सो ये सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद देखिए हमको यहाँ पर देखिए दो हैमर कैंडल मिली हैं। फाइनली जब देखिए ये इसका हाई ब्रेक हुआ है, मीन्स अगर हम देख लें पिछला स्विंग हाई जो था, ये स्विंग हाई था हमारे पास, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाती चली गई। अब देखिए इसको भी हम आगे की तरफ लेके चलेंगे। अब इस एरिया ने भी हमारे लिए सपोर्ट का काम किया है। देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ अगेन देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, कहाँ पर, जो पिछला स्विंग हाई बना हुआ है, स्विंग हाई का जो हाई है वहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रही है, इसी लेवल जो रजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है, अगेन ऊपर की तरफ जाकर अगेन सपोर्ट ले रही है। अब देखिए फाइनली क्या हुआ, फाइनली देखिए हमको यहाँ पर रेंज मिल चुकी थी एक, अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर एक रेंज मिल चुकी थी और जब ये रेंज का ब्रेकआउट होता तो हमको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी थी। तो फाइनली देखिए यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था
कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, रेंज बनने के बाद आपको ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करनी है। तो फाइनली देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट पे भी एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला। देखिए मैं 12 बजे के बाद एक्टिव नहीं हो पाया, मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था, थोड़ा काम था मेरे को, सो मैं घर पर नहीं अपने ऑफिस में पहुँच नहीं पाया। सो फाइनली जो है मोबाइल पर ही ट्रेडिंग हुई है आज। तो 12 जो है ट्रेडिंग आज मैं आप लोगों को, मैं ये कॉल भी नहीं दे पाया था, मैंने स्टार्टिंग में सवेरे मॉर्निंग के टाइम में आप लोगों को कुछ मैंने कॉल पोस्ट अप कर दी थी, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ उससे अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। जो मैंने लेवल आपको बताया था, ये लेवल जो था ये देखिए 31, इसका जो हाई लगा है वो 31,100 का है, 31,108। तो मैंने आपको कल क्लियर कट बिल्कुल बताया था कि 31,050 से लेकर के 31,080, तो हम यहाँ पर 31,100 मान लेंगे, 31,050 से 31,080 हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट ये सेलिंग जोन है। इस जोन में आते ही हमको सेल के लिए देखना है, यहाँ पर बिल्कुल बाइंग के लिए नहीं देखना है। बाइंग के लिए कब देखना है, जब यहाँ पर, अब एक बात मेरे यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पर यहाँ से जो रैली हो रही है वो देखिए नीचे के प्राइस जो है ये 30,414, और 30,414 के बाद हम कहाँ पहुँच गए, 31,100। मीन्स हम यहाँ पर ऑलरेडी 700 पॉइंट्स चल चुके हैं। ओके, हम यहाँ पर ऑलरेडी 700 पॉइंट्स चल चुके हैं। मार्केट में इतनी जबरदस्त तेजी नहीं है कि यहाँ पर जो है कंटिन्यू मार्केट 1,000 या 2,000 पॉइंट जाए। अब 700 पॉइंट्स कंटिन्यू चलने के बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। अगर आपने यहाँ पर बाइंग किया है या फिर किसी भी बायर ने यहाँ पर बाइंग किया है, तो नेचुरली बात है कि वो 500-700 पॉइंट्स के बाद वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। सो 31,000 के लेवल के आसपास, देखिए 31,100 के लेवल के आसपास मैंने सेलिंग के लिए बताया था। अब यहाँ देखिए 31,100 से हम कहाँ तक आ गए, नीचे की तरफ 30,400, मतलब जहाँ से चले थे फिर अगेन वहाँ पर आ गए। अगेन मतलब हमने 31,100 से 30,400 के आसपास अगेन हमने 700 से 800 पॉइंट्स की मूव देखी। अगर आपने कल ये बात मेरी फॉलो की होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। चलिए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि मंडे के सेशन में मार्केट किस तरह से ट्रेड करती है। देखिए जो चीज़ें बताता हूँ, जो समझाता हूँ, चीज़ें ध्यान से सुना करिए, लेवल ध्यान से सुना करिए, जो चीज़ समझ में आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए। देखिए मैं आप लोगों को यहां पर बताने के लिए बैठा हूं, बिल्कुल जो है जो भी चीज समझ में ना आए आप बिल्कुल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा। अब देखिए अभी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन फाइनली देखिए कल ब्रेक हो चुकी थी। सो देखिए अब मैंने कल आपको जो बताया था, कल यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा उसको हम बाइंग के लिए देखेंगे। तो हम देखिए कंटिन्यू बाइंग की तरफ गए और जो हम गिरे हैं यहाँ पर, ये दूसरे सेशन में गिरे हैं, सेकंड सेशन में गिरे हैं। अब देखिए अब यहाँ पर जो लेवल है हमारे पास, देखिए हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक ये हमारे पास लेवल सपोर्ट बन चुका है। अब जब तक हम इस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं तब तक हमको बाइंग के लिए देखना है। मे बी देखिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, उस सिनेरियो में आपको किस तरह से काम करना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं। देखिए वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, बट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैं पिछली ट्रेंड लाइन यहां पर डिलीट करने जा रहा हूं और इस ट्रेंड लाइन, अब हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। तो ओके, अब यहां पर देखिए मान लीजिए मार्केट यहां फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस ये जो एरिया है हमारा 30,300 का, इस लेवल के पास आएगी तो यहां से बाउंस बैक होगा एक बार, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां से एक बार अगेन बाउंस बैक होगा। अब देखिए ये तो थी फ्लैट ओपनिंग की बात, अब मैं बताऊंगा आपको गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग में भी आपको वो लेवल नहीं मिलता है तो आपको उस लेवल का वेट करना है। अब देखिए ये जो 31,100 का लेवल है, ये हमारे पास अगेन ये हमारे पास सेलिंग जोन है, बट ये सेलिंग जोन अब इतना मजबूत नहीं है जितना आज के दिन में था, जब हमारे पास 31,100 के, देखिए यहां से मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है, 30,600 की क्लोजिंग है अभी, और यहां से 400-500 पॉइंट्स गैप अप ओपन होती है, तो यहां पर ऑलरेडी 400-500 पॉइंट्स चलने के बाद यहां से एक बार अगेन हम नीचे की तरफ आएंगे। सो अगर इस लेवल के आसपास अगेन आपको मार्केट मिलती है, आप यहां से क्लियर कट सेल कर सकते हैं। बट यहां पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि यहां पर हमारे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, यहां पर प्रोबेबिलिटी कम है, तो यहां पर अगर कोई बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल्स को ब्रेकआउट करती है तब हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज गैप अप ओपनिंग अगर यहां पर होती है, मैं गैप अप की बात कर रहा हूं, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 31,100 के लेवल के आसपास आपको मिलता है, तो यहां से आप बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग के लिए जा सकते हैं। कोई इस तरह की कैंडल आपको मिले, देखिए मैं इस तरह कैंडलों की बात करता हूं, ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल है, या तो वहां पर कोई आपको डोजी कैंडल मिल जाए, या तो आपको वहां पर कोई एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, इस तरह की कैंडलों की बात करता हूं मैं। सो कल गैप अप मंडे के सेशन में अगर गैप अप ओपन आपको होता हुआ दिखे, 31,100 के आसपास दिखे, तो यहां से आप सेलिंग के लिए जाइए। अब यहां पर देखिए हमारे लिए जो नीचे सपोर्ट का लेवल है वो ये हमारा लेवल, सपोर्ट का लेवल मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। देखिए मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जो है जाने की कोशिश कर रहा है, सो मे बी यहां पर जो है प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। अब देखिए यहां 30,600 क्लोजिंग है, अब यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमको क्या करना है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है मान लीजिए 30,300 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है या 30,250 के आसपास, तो यहां से आप कंटिन्यू सेलिंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 29,700 के आसपास। अगर मान लीजिए यहां से कोई बड़ी
न्यूज़ आ जाती है या फिर यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, और यहाँ पर देखिए सीधा 700 800 हज़ार पॉइंट से गैप डाउन हो जाता है, तो इस लेवल के पास आपको बाइंग करनी है। अब देखिए मैं बिल्कुल सिंपल और सादे भाषा में आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि इस लेवल पर आके आपको सेलिंग करनी है, 31,100 का लेवल पर आपके आपको सेलिंग करनी है। जब यहाँ पर कोई बड़ी कैंडल आपको ब्रेकआउट करती हुई देखे तब नहीं करनी है, बट यहाँ पर अगर गैप डाउन में अगर ये लेवल मिलता है तो आपको सेलिंग करनी है, और ये जो लेवल है 29,700 का यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। बिल्कुल आसान और साफ शब्दों मैंने आपको बता दिया है कि 29,700 पे आपको बाइंग करनी है, 31,100 पे सेलिंग करनी है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एनालिसिस करके आपको बताई है आपको समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई आप मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक ने देखिए फाइनली यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट से बाउंस बैक किया। बाउंस बैक के बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था 675 रुपये के ऊपर क्लोज होगा, तो हम यहाँ पर 685 रुपये के ले जाएंगे। बट यहाँ पर जो आज कैंडल बनी है इस देखिए इस कैंडल को हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल हमारे पास यहाँ पर मिली हुई है। अब देखिए अब 676 के ऊपर यहां पर निकलता है तो हमारा टारगेट यहां पर जो होने वाला है वो 695 रुपए का, मतलब यहां हम यहां पर 18 से 20 पॉइंट्स का टारगेट हमको यहां पर मिल सकता है मंडे के सेशन में। एक्सिस बैंक पे नजर बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक भी देखिए यहां पर जो चैनल बना रहा था चैनल के आसपास आकर इसने सपोर्ट लिया। अब देखिए यहां पर अगेन जो है रेड कैंडल बनी है, मे बी शायद ये सपोर्ट ब्रेक करे 295 के लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहां पर जो हमारा टारगेट होगा इंट्राडे के लिए वो होगा 280 का। अब यहां पर बाइंग कब करनी है 320 के ऊपर, कल भी मैंने आपको ये लेवल बताया था। अगर 320 के ऊपर निकलकर सस्टेन होना शुरू हो जाता है, 320 के ऊपर ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाती है तो आप वहां पर कम से कम वेट करना है, 5 मिनट की कैंडल आपको 320 के ऊपर क्लोजिंग दे दे और 5 मिनट की कैंडल का जो हाई होगा उसके ऊपर आप जाकर यहां पर बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने देखिए फाइनली अपने 1350 के जो सपोर्ट था वहां से बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करने के बाद यहां पर हैमर टाइप की कैंडल बनाई। आज जो कैंडल बनी है डोजी कैंडल बनी हुई है, मे भी देखिए ये 1340 से 1350 का ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहां पर कोई बड़ा डाउनफॉल देखने वाले नहीं है। मे भी देखिए अगर आपको मंडे के सेशन में ये 1410 रुपए के ऊपर निकलता है तो टारगेट हमारा यहां पर 1430 और 1450 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने भी देखिए अपने जो चैनल पैटर्न जो यहां पर बन रहा था असेंडिंग चैनल में जो बन रहा था यहां पर अपने लोअर चैनल से यहां पर लोअर ट्रेंड लाइन से हम कह सकते हैं यहां से बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक के बाद कल आपको बताया था मैंने 530 के ऊपर बाइंग करनी है, और जो देखिए मैंने यहां पर आपको जो टारगेट दी थी देखिए यहां पर जो 544, तो हमारा 540 का 540 और 545 का टारगेट था, ऑलरेडी हमारे टारगेट अचीव हो गए। मंडे के सेशन में यहां पर एक बार 545 के ऊपर निकलता है तो 560 रुपए के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, 545 के ऊपर अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है तो हमारा टारगेट यहां पर 560 रुपए होने वाला है इंट्राडे वालों के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा इंडसइंड बैंक। देखिए मैंने इंडसइंड बैंक को आपको कल भी बताया था परसों भी बताया था कि इंडसइंड बैंक को आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक करने के बाद हमारा अगला सपोर्ट हमारी ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन थी। ये चीज मैं आप लोगों को कंटिन्यू अपनी सारी वीडियो में बताते आ रहा हूं। अब यहां पर देखिए यहां पर जो कैंडल बनी यहां पर डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल देखिए कभी भी एक बड़े ट्रेंड के बाद चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो उस ट्रेंड के बाद अगर वो डोजी कैंडल बनती है तो वहां से एक ट्रेड रिवर्सल का वो साइन होता है। सो यहां पर कल डोजी कैंडल बनी और यहां पर ट्रेड रिवर्स हुआ। अब यहाँ पर देखिए 860 रुपए के ऊपर निकलकर क्लोजिंग करती है 5 मिनट की एक कैंडल। कम से कम हम देखिए हमारी ये बैट हमारी शर्त है कि 560 रुपए के ऊपर निकलकर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, उसके हाई के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। सो ध्यान रखिएगा 860 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग इसको जो लेकर जाएगी वो देखिए 880 के आसपास लेकर जाएगी। इंट्राडे का टारगेट हमारा 880 का है तो इस पर नजर बना के रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा कोटक बैंक है। देखिए कोटक बैंक यहाँ पर मेरे को वीक होता हुआ दिख रहा है, मे बी यहाँ से देखिए लास्ट चांस था यहाँ पर बाउंस बैक होने का, बट यहाँ से कैंडल आज बनी है वो कैंडल अगेन रेड कैंडल बनी है। अब ये जो डोजी कैंडल बनी हुई है कल की इसका लो है 1700, तो अब 1700 के नीचे अगर यहां पर क्लोजिंग आ जाती है तो हमको यहां पर जो टारगेट देखने को मिलेगा वो क्लियर कट 1600 का टारगेट देखने को मिलेगा। यहां पर 100 पॉइंट्स का टारगेट हमारा बिल्कुल क्लियर कट है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको 1700 के नीचे की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हम सेल के लिए जाएंगे। अदरवाइज देखिए मे भी यहां पर कोई रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये सारी प्रोबेबिलिटी की गेम है यहां पर। तो यहां पर अपनी प्रोबेबिलिटी उस तरफ रखिए जिस तरफ की प्रोबेबिलिटी आपको स्टॉक मार्केट जिस चार्ट आपको बता रहा है उस तरफ आपको जाना चाहिए, आपको ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए। ओके सो देखिए डाउन ट्रेंड भी यहां पर डाउन है, 1700 के नीचे की एक बार क्लोजिंग आ जाए तो मैं इसको पोजिशनल में भी करूंगा, एक या दो दिन में हमको यहां पर हमारा टारगेट जो है 1600 का मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक।
आरबीएल बैंक ने भी देखिए हमारे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है यहाँ पर, यहाँ पर आके डोजी कैंडल बनाई और फाइनली देखिए यहाँ पर मैंने बताया था 220 रुपये के ऊपर बाइंग करना है और टारगेट हमारा 225 और 230 का था। फाइनली यहाँ पर 230 का टारगेट भी, 225 का भी टारगेट अचीव हुआ, 230 का भी टारगेट अचीव हुआ। अभी यहाँ पर देखिए ना बाइंग करिए ना सेलिंग करिए, यहाँ पर कुछ मत करिए, अभी यहाँ पर एक दो दिन स्पेंड होने दीजिए, कोई अच्छी कैंडलें बनने दीजिए, या तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर क्लोज हो जाए या तो यहाँ पर देखिए 225 30 के ऊपर की क्लोजिंग कोई आ जाए तब हम यहाँ पर देखेंगे, अदरवाइज अभी आरबीएल बैंक को कुछ मत करिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहां पर देखिए जो आज का हाई लगाया 290 का, टारगेट हमारा 290 का ही था, 290 292 का टारगेट था, तो फाइनली हमारे यहां पर टारगेट अचीव हो चुका है। अब हमारे पास देखिए ये एक हर्डल है, 290 से 292 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस यहां पर देखिए सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस था, अगेन इस रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर देखिए मंडे के सेशन में ये 278 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो यहां पर हमारा टारगेट जो होगा 270 का होगा, 8 पॉइंट का टारगेट होगा। ध्यान से एक बार दोबारा सुन लीजिए, 278 के नीचे निकलता है तो 270 रुपए के टारगेट के लिए हम यहां पर सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए देखना है यहां पर 292 की क्लोजिंग के ऊपर, जब 292 रुपए की क्लोजिंग ऊपर क्लोज करेगा फिर यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। देखिए यहां ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस ना करे, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से मैंने ड्रॉ करी है, जब तक ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग ना दे दे तब तक हमको बाइंग के लिए नहीं जाना है, इसको हमने अभी सेलिंग के लिए ही देखना है 278 के नीचे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं आप लोगों को एक दूसरी वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें मैं निफ्टी इंडेक्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से बाउंस बैक होने वाला है, कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, कौन से ट्रेंड लाइन से वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और निफ्टी 50 में जितने भी 50 स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सब की एनालिसिस करके मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मे भी कल वो वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आज मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उम्मीद करूँगा कि आपको वो भी पसंद आएगी। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, शेयर मत करिए कम से कम एक लाइक तो कर दिया करिए। देखिए वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और देखिए सारे लेवल्स निकालने पड़ते हैं, सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ती हैं। देखिए आज मैंने आपको लेवल दिया 31,100 का, यहाँ से अगर आपने सेलिंग की होती तो देखिए 700-800 पॉइंट से यहाँ पर प्रॉफिट बना होता। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, सो कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।